नमस्कार, मैं हूं एस के मौर। आप देख रहे हैं हिंद सेवन न्यूज। खबर प्रयागराज के सिंहवेरपुर धाम से, जहां पीठाधीश्वर धराचार्य महाराज ने किया राष्ट्रीय रामायण मेले का शंखनाद। जी हां, आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि सिंहवेरपुर धाम में आज राष्ट्रीय रामायण मेले के 32वें संस्करण का आगाज किया गया। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने पूरे विधि विधान से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। कहा कि देश को चरित्र की आवश्यकता है, वह केवल रामायण ही दे सकता है। राम के चरित्र पर सभी को चलने की जरूरत है, इसी को ध्यान में रखकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम चरित मानस की रचना कर जन जन तक पहुंचा दिया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि रामायण से सभी को सीख लेना चाहिए। राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर छुआछूत का भेदभाव खत्म करने की प्रेरणा दिया। आगे कहा कि राम कथा से मूल मंत्र प्राप्त होता है। इसके पश्चात केशरी नाथ त्रिपाठी ने पीठाधीश्वर धराचार्य से अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्राप्त कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महंत जयराम दास, महंत राघव दास, महंत कमल नयन दास आदि संतों का समागम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट हिंद सेवन न्यूज। आज की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।